ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मोदी सरकार के सामाजिक न्याय एवं आधिकारित मंत्री रामदास अठावले ने रविवार को बहुजन समाज पार्टी चीफ मायावती को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए भी कहा। उन्होंने आंतरिक विरोधाभास का हवाला देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ बसपा का गठबंधन लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आई रिपोर्ट से पता चलता है कि एसपी और बीएसपी के समर्थक गठबंधन से खुश नहीं है। अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का हिस्सा है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि बीजेपी के समर्थन से मायावती उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री बनी है। बीएसपी कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते हैं कि एसपी के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव में वंचित चुनाव लाभ नहीं देगा। एसपी के बदले मायावती को बीजेपी के साथ हाथ मिलाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम बीजेपी एमएलए साधना सिंह की मायावती पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि नेताओं को व्यक्तिगत हमले के बजाय राजनीतिक बनाना चाहिए। इन टिप्पणी से चुनाव में बीएसपी को फायदा होगा। अठावले ने कहा कि पिछले साल हुए लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की गोरखपुर, फूलपुर और कैराना में हार हुई, क्योंकि विपक्ष एक साथ था, फिर भी बीजेपी को छोटे अंतर से हराया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देगी और एसपी बीएसपी गठबंधन को एनडीए हराएगा। अठावले ने कहा कि आरपीआई ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से यूपी में 3 सीट लोकसभा देने का अनुरोध किया है। यह 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीती थी। अधिकांश दलितों ने एनडीए का समर्थन किया था। दलित समुदाय में बीएसपी का मजबूत आधार के बावजूद आरपीआई को दलित का समर्थन है। 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 14% दलितों ने वोट दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।